No. No. इसराइल हमास युद्ध दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। जहां इजरायली सेना का गाजा में भीषण हमला जारी है, तो वहीं हमास लड़ाकों की ओर से भी जबरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है, जिससे बौखलाई इजरायली सेना ने रफा में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। बावजूद इसके हमास लड़ाके भी अपना दमखम दिखाकर इजरायल पर हावी हो रहे हैं, घात लगाकर इजरायली बलों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं हमास लड़ाकों को ईरान के प्रॉक्सी गुटों का भी जबरदस्त साथ मिल रहा है। बीते साल 8 अक्टूबर के बाद से चाहे लेबनान हो या फिर इराक, सीरिया या फिर यमन के चरमपंथी संगठन इसराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्ला आतंकियों ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के हमलों से इसराइली सेना को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसराइली सैनिक ही नहीं बल्कि उनके हथियार और विनाशकारी टैंक हमले में तबाह हो रहे हैं। इन सब के बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला इसराइल पर बड़े हमले की फिराक में है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद से हिजबुल्ला ने अपने हमले तेज कर दिए और इसके संकेत पहले से ही दे दिए थे। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला अपने लड़ाकों को इसराइल से जमीनी जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसराइल के हर खतरे को कम करने की तैयारी जोरों पर जारी है। लेबनान के शीर्ष नेता ने बयान में कहा कि इसराइल को हम बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। हिजबुल्ला की चेतावनी के बाद इसराइल से लेकर अमेरिका तक में हलचल तेज हो गई है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने धमकी दी कि वो फिलिस्तीनी मुद्दे पर हमास के साथ खड़ा है और हमेशा रहेगा। हम जल्द ही ऐसा बदला लेने वाले हैं जिसे इसराइल हमेशा याद रखेगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इसराइल में जो हमला किया गया वो ऐतिहासिक था और उस हमले में हमास ने इसराइल को बड़ी चोट पहुंचाई। वहीं उसके उलट जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गाजा में जो कुछ किया या कर रहा है वो उसके लिए बड़ी उपलब्धि हो, मगर नेतन्याहू भी जानते हैं कि गाजा पर उनके अरमान और मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। लेबनानी न्यूज एजेंसी अल नशरा की माने तो हिजबुल्ला अमेरिकी चुनावों तक या फिर अगले साल मार्च अप्रैल तक युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्ला ने अभी तक हथियार तैनात नहीं किए हैं। वहीं अल जरीदा की रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्ला के पास लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें और रूस की बनी विमान भेदी मिसाइलें हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला लड़ाकों को इजरायली गश्ती दल पर घात लगाकर हमला करने, उन्हें आग से घेरने और इजरायली सरजमी पर IDF सैनिकों को पकड़ने जैसे ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दे रहा है। दावा है कि हिजबुल्ला इस उम्मीद में इजरायल पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है और इससे नेतन्याहू सरकार पर घरेलू दबाव बनेगा। इससे इजरायल को युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।